नमस्कार दोस्तों, करेंसी स्पेशल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई 2023 और अभी का टाइम जो हुआ है वो है आपका 3:37 शाम के। ये स्पेशल एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू जेपीवाई आईएनआर। बिफोर डिस्कसिंग दिस एनालिसिस, हम पहले डॉलर येन को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। जहां पे आप देखोगे ये जो आपका 145 के आसपास अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद 145 से ये आपका आया था 137, ह्यूज डाउन मूव। ये ह्यूज डाउन मूव के बाद प्राइस पिछले 2 दिन यानी आपका 18 जुलाई एंड 17 जुलाई, ये 2 दिन में प्राइस रिजेक्शंस एट द बॉटम हुआ। आज के दिन में जो प्राइस एक्शन है 138.82 से अभी है आपका 139.80। दैट मींस एक 100 पिप का अपमूव। यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि आरएसआई जो बिलो 60 था वो बिलो 40 था, वो अभी एबो 40 में आ चुका है। करेंटली एट 43.90। इसका एक लेवल नीचे अगर जाते हैं 4 आवरली पे, 4 आवरली पे यहाँ पे रेंज शिफ्ट का एक इंडिकेशन आया था, जो मेरा करेंसी डेली एनालिसिस पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन ऊपर जा सकता है। अभी डॉलर येन कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए प्राइस एक्शंस को देखना था। क्या ये 142 तक जाएगा या क्या ये 143 तक जाएगा? इफ सो, इसका जो इम्प्लीकेशन ऑन येन आईएनआर कैसे हो सकता है? सो 4 आवरली पे देखोगे, पहले ये आपका कल 2:30 एंड 3:30 का जो कैंडल है, 3:30 के कैंडल के बाद ये कंफर्म हो चुका था कि ये रेंज शिफ्ट हो रहा है। एंड आज ड्यूरिंग द डे ये 4 आवरली कैंडल है, 6:30, कल का 6:30 to 10:30 वाला, उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यानी यहाँ पे बेस आउट होके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी एक शार्प डाउन मूव के बाद बेस आउट करते हैं, उसके बाद ये ऊपर जा सकता है ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे हायर और हायर लो फॉर्मेशन बनाए। दैट बीइंग द केस, आवरली बेसिस पे हमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को चेक करना है। जैसे ये हायर लो से आपका ये लोअर हाई लोअर लो पे आ जाएगा, तो ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखो आवरली पे ये ऐसा जब तक होता है तब तक ठीक है, टिल इट इज नॉट चेंजिंग द टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? हायर हाई हायर लो से लोअर हाई लोअर लो पे नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि डॉलर येन पे एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 140.20 के आसपास। देन ग्रेजुअली एवरी अपटिक में एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। ये हो गया डॉलर येन। तो ये आप पूछोगे डॉलर येन के एनालिसिस के बेसिस पे आप येन आईएनआर का कुछ बात कर रहे थे। यस, येन आईएनआर पे एक टिपिकल कैलकुलेशन था। आप देखोगे यहाँ पे जब मेरा 5 जुलाई 7 जुलाई का कैलकुलेशन था, उसके बाद ये हमारा जो 2 टारगेट है वो टारगेट को स्मैश करके और भी ज्यादा ऊपर चला गया था। हमारा सेकेंड टारगेट था 0.5860 का, वो तोड़ के ये 5960 और 100 पिप्स के ऊपर चला गया था। That being the case, उसके बाद हमारा ये assumption था कि ये जो इतना sharp up move है, ये sharp up move के बाद एक retracement जरूरी है। अभी ये retracement कहाँ तक आए? The most favored place, अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये आपका 0.58 का है, इसके हाई के ऊपर। यहाँ पे आपका ये जो कैंडल था 17 जुलाई के लो, उसके नीचे आज हमने मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था, आवरली बेसिस के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है
तो सेल ट्रिगर हो जाए। एंड कीपिंग ये जो आपका 18th जुलाई का हाई है, दैट इज उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे येन आईएनआर पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में आपका एक टारगेट हम देख सकते हैं, इसका डबल, इसका डबल बोले तो देखते हैं, ये एक हो गया और ये एक हो गया। सो टेंटेटिव 5750 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है। तो ये अगर नीचे आएगा तो डॉलर येन को ऊपर जाना है। अगर डॉलर येन कहीं रास्ते में अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आना चालू कर दे, दैट मीन्स लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बनाना चालू कर दे, इन सच ए केस ये जो हमारा सेलिंग कैलकुलेशन है वो निगेट हो जाएगा। एंड ऐसे भी ये आपका 18 जुलाई के हाई के ऊपर ऐसे भी निगेट होना है। अगर आज कल परसों ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारा जो बेसिस फाउंडेशन थ्योरी स्ट्रेटेजी जो भी है वो इसके हाई के ऊपर निगेट हो जाता है, यानी हमने जो भी बोला आप भूल जाएगा। अदरवाइज देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि कैलकुलेशन के हिसाब से 5750 तक आना चाहिए, वेयरएज ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने बोला था 58 तक आना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है। दैट बीइंग द केस, हमें अभी आवरली बेसिस पे यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस देख सकते प्राइस में। इसका जो करेंसी फ्यूचर, ये जो येन आईएनआर है ये स्पॉट कैलकुलेशंस में है, नॉट ऑन करेंसी फ्यूचर्स। तो हम लोग अभी करेंसी फ्यूचर का कैलकुलेशंस देखेंगे। तो ये है आपका जेपीवाई आईएनआर का करेंसी फ्यूचर का चार्ट फॉर द जुलाई एक्सपायर। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि आज के दिन एक रन अवे गैप बनाया हुआ है, यानी नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुआ एंड नीचे की तरफ चलना चालू किया। बट इट मींस इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ और भी एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, इतना स्मूथ डाउनवर्ड मूव होगा क्या वो हमें देखना है, क्योंकि हर एक लेवल पे सपोर्ट हो गया। जैसे डॉलर येन में ऊपर में हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस होगा, तो वैसा ही यहाँ पे हर एक लेवल पे सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस, अभी देखिए आप 4 आवरली जो चार्ट है वो अबव 60 से बिलो 60 में आ चुका है, एंड आवरली पे एक रेंज शिफ्ट दिखा के ऑलरेडी टाइम पास हो चुका है। बट इट मीन्स यहाँ पे देखिए ये एक रेंज शिफ्ट, यानी हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन को मिस किया इसके लो के नीचे, क्योंकि कल के दिन में थोड़ा सा प्राइस जो है थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव किया, जहां पे आपका लोअर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर चला गया था, लेकिन आज फिर गैप डाउन ओपन के बाद नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूएशन से। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें सेल ऑप्टिक्स एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका सेल ऑप्टिक्स होगा वहां पे आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या आपका जो भी सेलिंग के लिए पुल बैक वाला स्ट्रेटेजी है, नॉट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, किसी को पुल बैक में ट्रेड करने को अच्छा लगता है, किसी को ब्रेकआउट में अच्छा लगता है। सो ट्रेडर टू ट्रेडर वो वेरी करता है, जिसको जो पसंद है लेट देम कंटिन्यू विद द सेम थिंग। तो यहाँ पे आपका जो ये पुल बैक वाला स्ट्रेटेजी में आप चाहो सेल साइड से खेल सकते हो, बट यू नीड टू कीप योर स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो, जो भी है आपका 10 पैसे का स्टॉप लॉस हो, 25 पैसे का स्टॉप लॉस हो, या जो भी है आप उस हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं फॉर ए डाउनवर्ड टारगेट। ये डाउनवर्ड टारगेट हो सकता है एज पर द करेंसी फ्यूचर। पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये हिसाब से, ये था स्पॉट के बेसिस पे जो
प्राइस सेक्शन के हिसाब से 58 एंड टारगेट के हिसाब से 0.5750 स्पॉट बेसिस में। आइए देखते हैं इसको यहाँ पे एक डेसिफर करने का प्रयास करते हैं करेंसी फ्यूचर में, जिसका टारगेट हो सकता है ये हुआ इसका हाई। यानी ये आपका 0.5840 अभी है 5885, यानी अनदर 40 पॉइंट्स का एक डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मे बी आपका 5780 तक भी एक जाने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, और इवन मोर सब्जेक्ट टू प्राइस कैसे बिहेव करता है। वट एवर मे बी द स्ट्रेटेजीज, वट एवर मे बी द कैलकुलेशंस, वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज अल्टीमेटली द सुप्रीम। हम कुछ भी सोचे, हम कुछ भी समझे, हम कुछ भी स्ट्रेटेजी लगाए, कैलकुलेशन करें, बट मार्केट को जिधर जाना है वो जाके ही रहेगा। इसको नीचे जाना है तो ये जाके ही रहेगा, इसको नीचे जाते जाते घूम के फिर ऊपर चलना चालू कर दे तो वो जा अपने हिसाब से जाते ही रहेगा। व्हाट आई वांट टू मीन, वी कैन नॉट डायरेक्ट द मार्केट कि तू चल टुवर्ड्स 58.40 एंड देन 57.80। वी कैन नॉट इंस्टेंट, ओनली थिंग इज दैट वी कैन इनिशिएट सर्टेन ट्रेडिंग पोजीशंस एंड विथ आवर कैपेसिटी ऑफ स्टॉप लॉसेस इस ट्रेड को हम प्ले आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका सडनली एक चेंज आया, बेसिकली JPY INR आप देखोगे 5th जुलाई के बाद, एक जो 5th जुलाई का जो 5730 से आपका 5980, 2.5 रुपया का, 2.5 रुपीज का जो एक मूव था, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्सचर चेंज हुआ। मैं बार बार बोल रहा था कब इतना वन साइडेड 90 डिग्री टाइप ऑफ अप मूव रॉकेट की तरह, जैसे हमारा चंद्रयान 3 मूव हो चुका है, मीन्स आपका जो लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट का, वैसा ही ये जा रहा था 5th जुलाई ऑनवर्ड्स। लेकिन पुल बैक इज जरूरी एज फार एज द टेक्निकल एनालिसिस कंसर्न। यहाँ पे पुल बैक में एक नेगेटिव करेक्शन हमने देखे, यानी बड़े अप मूव के बीच में एक छोटा डाउन मूव। इस डाउन मूव को हम कोशिश करना चाहते हैं कैप्चर करने की। सो कैसे मैं इस एनालिसिस को देखता हूँ वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आएंगे इसका सेकेंड पार्ट को लेके, वेदर द टारगेट इज गिविंग और वेदर इट इज गिविंग एनी स्टॉप लॉसेस, या कुछ एड ऑन करना है यानी पिरामिडिंग करना है तो कैसे पिरामिडिंग कर सकते हैं, उसको भी लेके हम आ सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिरामिडिंग जो हो सकता है आवरली पे, RSI करेंटली बिलो 40 है, इट इज ए 30। जब भी ये बिलो 40 से अबो 40 जाएगा, फिर बिलो 40 नीचे क्लोज करेगा, उस कैंडल के लो के नीचे फिर दोबारा हम सेल कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस आपके श्रद्धा के हिसाब से रख के इसको रन कर सकते हैं। अगर ये लंबा मूव दे देता है तो क्या कहें, बल्ले ही बल्ले। तो ये जो स्पेशल एनालिसिस है JPY INR पे, अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल, ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। माफी, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।